जोहार जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के कोरेगांव भीमा में दंगे हुए थे। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने दंगों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया था। आयोग द्वारा की जाने वाली जांच अभी भी चल रही है। देखा जाए तो इस जांच आयोग का काम जो है पिछले 5 सालों से चल रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के 1-2 साल आयोग का कोई काम नहीं हुआ। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जांच आयोग का काम पिछले 3 से 4 साल से चल रहा है, वह आयोग काम कर रहा है। 3-4 साल का समय भी किसी घटना की जांच करने के लिए एक बहुत लंबा समय होता है। इस पर जब हमने जांच आयोग के सामने काम करने वाले एडवोकेट राहुल मखरे इनसे पूछा कि इतना समय क्यों हो रहा है, तब उन्होंने जो जवाब दिया वह बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, जिसमें सभी सरकारी विभाग और प्रशासन, खासतौर पर पुलिस प्रशासन आता है, उन्होंने पहले ही सभी सही सबूत आयोग के सामने रखने चाहिए थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी पुलिस और प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। वे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। उन्हीं छुपी हुई बातों को, उन सबूतों को जांच आयोग के सामने लाने के लिए उन सभी पुलिस अधिकारी एवं गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन करके उनसे सच बाहर निकाला जा रहा है, और इसीलिए इतना लंबा समय कोरेगांव भीमा जांच आयोग के लिए चल रहा है। दिनांक 6 फरवरी से 10 फरवरी 2023 के इन 5 दिनों में पुणे में जांच आयोग का काम चला। इन 5 दिनों में आयोग के सामने क्या हुआ, कौन सी नई बातें सामने आई, कौन से अधिकारियों ने क्या जवाब दिए, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आयोग का उद्देश्य क्या है। जांच आयोग के 2 उद्देश्य है। पहला ये कि सभी सबूत सामने लाना, और दूसरा घटना के लिए कौन जिम्मेदार है ये तय करना, यानी जिम्मेदारी तय करना। 6 से 10 फरवरी के बीच भी इसी पर काम चला। इन 5 दिनों में शिकरापुर पुलिस थाने के SDPO जो रिटायर्ड हो गए हैं गणेश मोरे, जो दंगों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी IOB थे, उनके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गलांडे, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक शेणगांवकर और हेड कांस्टेबल होले, इन सब की क्रॉस एग्जामिनेशन हुई। इस बीच कई गंभीर एवं महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। दरअसल पुलिस प्रशासन के 2 प्रमुख काम होते हैं। पहला ये कि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके लिए प्रतिबंधात्मक यानी प्रिवेंटिव एक्शन करना, और दूसरा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के बाद भी यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उस घटना की निष्पक्षता से जांच करना, सबूत इकट्ठा करना और उन्हें न्यायालय के समक्ष लाना। कोरेगांव भीमा के दंगों में पुलिस ने ये दोनों भी काम नहीं किए। इसका एक उदाहरण ये है कि पुलिस ने मिलिंद एकबोटे पर न प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और न ही उसके बारे में किसी प्रकार की कोई जांच कर सबूत इकट्ठा किए, जिससे उसे काफ़ी मदद मिली और वह खुले में घूम रहा है। इसे विस्तार से समझ लेते हैं कि मिलिंद एकबोटे के संदर्भ में जांच आयोग के सामने कौन सी बातें आई। कोरेगांव भीमा के दंगों के लिए मिलिंद एकबोटे और मनोहर भिड़े को लोगों ने जिम्मेदार ठहराया। ये 2 नाम काफी चर्चा में थे। इन दोनों के बारे में लोग जानते हैं कि ये ब्राह्मणवादी विचारों के प्रचारक है और इतिहास तथा वर्तमान की गलत जानकारी देकर बहुजन युवाओं के मन में मुस्लिम व अनुसूचित जाति के लोगों के विरोध में नफरत पैदा कर उन युवाओं का ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए केवल इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मिलिंद एकबोटे की बात है तो दंगों की जांच करने वाले पुलिस निवृत्त पुलिस अधिकारी गणेश मोरे की क्रॉस एग्जामिनेशन में उनसे एडवोकेट वरुण कुमार ने सवाल पूछा कि मिलिंद एकबोटे पर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक प्रिवेंटिव कोई कार्रवाई की है, ऐसा आयोग के सामने प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड में कहीं पर भी नहीं है, ऐसा क्यों। इस पर गणेश मोरे कहते हैं कि मिलिंद एकबोटे भाग गया था, इसलिए उस पर कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन उसे 14 मार्च 2018 को FIR नंबर 9/2018 के तहत हिरासत में लिया गया। एडवोकेट वरुण कुमार ने दूसरा सवाल पूछा कि मिलिंद एकबोटे को अरेस्ट करने के बाद
उस पर क्या कार्रवाई की गई। मोरे ने जवाब दिया कि उसे 19 जून 2018 को सीआरपीसी की धारा 110 ई ग के तहत नोटिस दी गई। एडवोकेट वरुण कुमार ने तीसरा सवाल पूछा कि जब एगबोटे को मार्च 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वह 29 दिसंबर 2017 की घटना से इन सब में शामिल था, तो फिर सीआरपीसी की धारा 110 ई ग के तहत नोटिस देने में पुलिस ने इतना समय क्यों लगाया, जबकि उसे 4 अप्रैल 2018 को ही बेल मिल गई थी। इस पर निवृत्त पुलिस अधिकारी गणेश मोरे ने जवाब नहीं दिया, उनको जवाब देने नहीं आया। दरअसल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई घटना होने से पहले वह घटना ना हो इसके लिए की जाती है। पुलिस ने मिलिंद एगबोटे पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 1 जनवरी 2018 के 6 महीने बाद यानी जून 2018 को की, जिसका उस वक्त कोई मतलब नहीं था। इससे साफ होता है कि पुलिस ने मिलिंद एगबोटे को बचाने का ही काम किया है। जून 2018 में एगबोटे को नोटिस भी शायद इसलिए दिया गया था ताकि पुलिस ये बता सके, ये दिखा सके कि हमने एगबोटे पर कार्रवाई की थी। लेकिन उनकी ये चाल जो है वो आयोग के सामने, जांच आयोग के सामने उजागर हो गई। मिलिंद एगबोटे को बचाने का काम यहाँ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पुलिस ने जानबूझकर मिलिंद एगबोटे के 2 मोबाइल नंबर्स में से केवल एक के CDR यानी कॉल्स डिटेल्स रिकॉर्ड और SDR यानी सब्सक्राइबर डिटेल्स रिकॉर्ड निकाले और दूसरे नंबर के नहीं। ऐसा करने के पीछे गणेश मोरे ने वजह बताई कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह दूसरा जो मोबाइल नंबर है वो मिलिंद एगबोटे का ही है। उन्होंने खुद सोचा कि वह किसी दूसरे का नंबर होगा और एगबोटे केवल उसका उपयोग कर रहा है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि SDR से ही पता चलता है कि वह मोबाइल नंबर किसका है। अगर पुलिस ने एगबोटे के दूसरे मोबाइल नंबर का SDR निकाला होता तो शायद उनकी शंका का भी निरसन होता और साथ में CDR से ये समझ में आता कि दंगों के समय मिलिंद एगबोटे कहाँ था और उसने किन्हें कॉल किए थे। क्योंकि पुलिस यह पहले ही जान रही थी कि दूसरा जो मोबाइल नंबर है वह भी एगबोटे का ही है और उसे बचाने के लिए ही मिलिंद एगबोटे के दूसरे मोबाइल नंबर की जांच नहीं की और उसका उसे फायदा मिला। इसके अलावा गणेश मोरे को 1 जनवरी 2018 के दंगों के समय सोशल मीडिया पर सक्रिय पोस्ट और लोगों के बारे में भी सवाल पूछे गए। उन्हें एडवोकेट वरुण कुमार ने पूछा कि दंगों के दरमियान सोशल मीडिया जो है वो काफी बड़े पैमाने पर एक्टिव था, क्या आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन आपत्तिजनक पोस्ट की पड़ताल करने के लिए कोई आवेदन, कोई एप्लीकेशन, कोई लिखित डॉक्यूमेंट दिया था, ऐसा कोई पत्र व्यवहार है। इस पर निवृत्त पुलिस अधिकारी गणेश मोरे ने काफी आश्चर्य करने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जांच के लिए मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, मैंने इसको जरूरी नहीं समझा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन में साइबर सेल का एक अलग विभाग बनाया गया है जो लगभग देश के हर जिले में सक्रिय है। यानी सरकार व पुलिस प्रशासन ये मानती है कि दंगों के लिए सोशल मीडिया पर की जाने वाली पोस्ट भी कारण बन सकती है या दंगों के लिए सोशल मीडिया पर उस प्रकार के मैसेजेस बड़े पैमाने पर फैलाए जा सकते हैं। इसलिए पुलिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत सोशल मीडिया के उन आपत्तिजनक पोस्ट पर नजर रखती है और उन पोस्ट को आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए कार्रवाई करती है। पर यहां पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ही सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना जरूरी नहीं लगा, या इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि पुलिस ने उन आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई न करके दंगाइयों को एक प्रकार से मदद करने का ही काम किया है। पुलिस के पास संजय भालेराव नाम के एक व्यक्ति ने, जो खुद पेशे से वकील है, उसने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जिसका जिक्र पुलिस ने खुद दाखिल की हुई चार्जशीट में किया हुआ है। उसके अनुसार दंगों से पहले कुछ लोगों की एक मीटिंग हुई थी, 1 जनवरी को दंगे हुए उसके पहले उनकी एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याएं करने वाले मैसेज भेजे गए थे।
पुलिस के पास संजय भालेराव ने दी हुई जानकारी में उन लोगों के मोबाइल नंबर्स और व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स भी थे जो उनका संभाषण हुआ वो था। उस पर पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसके लिए कार्रवाई न करने के लिए संजय भालेराव पर इल्जाम लगा दिया कि उसने पुलिस को साथ सहयोग नहीं दिया, जबकि उन मोबाइल नंबर्स की और उस व्हाट्सएप ग्रुप की जांच करने की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की थी। पुलिस मैनुअल के अनुसार वे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनका ये काम है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि पुलिस मैनुअल और आईटी कानून के तहत अपनी ड्यूटी करने में असफल रही। पुलिस ने जानबूझकर सोशल मीडिया पोस्ट की जांच नहीं की। इन सब की वजह से पुलिस 1 जनवरी 2018 को कानून और व्यवस्था को संभाल नहीं पाई, जिसकी वजह से दंगे हुए और दंगाइयों को बचाने का काम फिर से पुलिस ने ही किया और आज भी कर रही है। ये सभी आरोप जांच आयोग के सामने पुलिस पर किए गए और पुलिस इसका कोई सटीक, सही और समाधानकारक जवाब नहीं दे पाई। पूर्व पुलिस अधिकारी गणेश मोरे से वरिष्ठ वकील एडवोकेट राहुल मखरे ने पूछा कि ये सही है कि पुलिस के दो कर्तव्य होते हैं, एक अपराध ना हो इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन करना और दूसरा अपराध होने के बाद उसकी अपनी पूरी शक्ति के साथ निष्पक्ष जांच करना। इस पर आयोग के अध्यक्ष जस्टिस पटेल ने तपाक से कहा कि ये सही है, ये पुलिस का काम है, पर पुलिस ऐसा नहीं करती। 1 जनवरी 2018 को हुए दंगों के बाद पुलिस, ब्राह्मणमनिया मीडिया और तत्कालीन सरकार की ओर से एक गलत प्रचार किया गया कि भीमा कोरेगांव में हुए दंगे 31 दिसंबर 2017 को हुए एल्गार परिषद की वजह से हुए थे। यही बात निवृत्त पुलिस अधिकारी शेणगांवकर ने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में कही। इस पर एडवोकेट वरुण कुमार ने उनसे पूछा कि क्या आप पुलिस ने दाखिल की हुई चार्जशीट व पुणे शहर में उस वक्त किए हुए 75 FIRs में ये दिखा सकते हैं कि उसमें कहां पर एल्गार परिषद व दंगों के संबंधों का जिक्र किया है। शेनगांवकर ने कहा कि न चार्जशीट में इसका जिक्र है और न ही किसी एक FIR में, लेकिन जांच के बाद वह संबंध सामने आया है। इस पर एडवोकेट वरुण कुमार ने पूछा कि 75 FIRs में से कितने FIRs की जांच आपने खुद की है। शेणगांवकर ने कहा किसी एक की भी नहीं। फिर वरुण कुमार ने पूछा कि अगर आपने एक भी सिंगल FIR की जांच नहीं की है, आपने न चार्जशीट और न ही किसी एक FIR में एल्गार परिषद व भीमा कोरेगांव के दंगों का संबंध दिखाया है, आयोग के सामने बताया है, फिर भी आप कह रहे हो कि ये संबंध है, कैसे? शेणगांवकर ने जवाब दिया कि वह सारे सबूत सार्वजनिक किए हुए हैं, अब मैं अलग से क्या बताऊं। यदि शेणगांवकर के जवाब को सही मान लिया जाए कि सभी सबूत जो है वो पहले से ही सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, तो फिर जांच आयोग के गठन पर ही सवाल खड़ा होता है कि इसे बनाया ही क्यों गया है। शेणगांवकर भले ही कुछ भी कहे लेकिन दंगों के जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गणेश मोरे ने यह कहा है कि दंगों का व एल्गार परिषद का कोई संबंध नहीं है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि पुलिस दंगों के असली अपराधियों को छुपाने के लिए दूसरों को बलि का बकरा बनाना चाहती है, एक दूसरी थ्योरी निर्माण करना चाहती है और अपनी चमड़ी बचाना चाहती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस एल्गार परिषद के उद्घाटक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PB सावंत थे। इसके अलावा एल्गार परिषद के मुख्य आयोजकों में मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस BG कोळसे पाटिल थे। क्या जस्टिस सावंत और जस्टिस कोळसे पाटिल भी अपराधी हैं? क्या उन्होंने ही भीमा कोरेगांव में दंगे करवाए हैं? इन सवालों के जवाब भी पुलिस विभाग को देने चाहिए। किसी भी पुलिस थाने में स्टेशन डायरी लिखी जाती है जिसे पहले हाथों से लिखना होता था, अब कुछ पुलिस स्टेशन में CCTNS में यह काम किया जाता है। CCTNS का फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। यह काम ऑनलाइन होता है, इंटरनेट न होने पर उसे ऑफलाइन किया जाता है और इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद वह सारी ऑफलाइन की हुई एंट्रीज ऑनलाइन हो जाती है। पुलिस का दावा है कि इसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं की जा सकती, हर एंट्री सही होती है, सही जगह पर होती है।
इसके अलावा लगभग हर पुलिस स्टेशन हाथ से लिखी हुई स्टेशन डायरी आज भी रखता है, क्योंकि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो चक्कर है इस वजह से। स्टेशन डायरी में उस पुलिस स्टेशन के दायरे में होने वाली हर उस घटना को लिखना होता है जिसका संबंध पुलिस थाने से है, यानी यह पुलिस का रोज का काम है, जिसके लिए थाना अमलदार नाम से अलग से एक पोस्ट भी होती है। उसी के निर्देश से स्टेशन डायरी को भरा जाता है। कुछ पुलिस थानों में CCTNS के लिए एक अलग से कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट भी रखी जाती है। ये बातें इतनी विस्तार से बताने के पीछे का कारण ये है कि आपको ये समझ में आए कि यह पुलिस का रोज़मर्रा का काम है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जा सकती। लेकिन पुणे ग्रामीण के शिकरापुर पुलिस थाने में 29 दिसंबर 2017 के दिन स्टेशन डायरी में से एंट्री नंबर 8 से 26 तक की एंट्रीज गायब है। जब यह सवाल निवृत्त पुलिस अधिकारी गणेश मोरे से पूछा गया तब पुलिस एकदम सकते में आ गए। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने इसका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किए बिना ही उसे चार्जशीट में जोड़ दिया था। जब एडवोकेट वरुण कुमार ने पुलिस के ध्यान में ये बात लाई तब जाकर पुलिस ने इसकी छानबीन की और जवाब में गणेश मोरे ने कहा कि यह तकनीकी कारण की वजह से हुआ है। अगर एडवोकेट वरुण कुमार और उनकी टीम ने पुलिस के ध्यान में ये बातें नहीं लाई होती तो अब तक पुलिस को ये पता भी नहीं चलता कि इतनी एंट्रीज गायब है। मामला केवल स्टेशन डायरी में से एंट्री गायब होने का ही नहीं है, बल्कि जो हाथ से लिखी जाने वाली स्टेशन डायरी है उसके पन्नों पर कंप्यूटर में टाइप की हुई एंट्री की प्रिंट निकालकर चिपकाने का मामला भी आयोग के सामने आया है। इसको लेकर जांच आयोग ने स्टेशन डायरी की मूल कॉपीज को, मूल प्रतियों को आयोग के सामने लाने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अब इसकी जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि पुलिस ने स्टेशन डायरी को मैनिपुलेट किया था या नहीं। इन 5 दिनों में कुछ ऐसी बातें सामने आई है जो कभी चर्चा में नहीं थी। एडवोकेट राहुल मखरे के अनुसार अब केवल 7 से 8 गवाह रह गए हैं जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी बाकी है और अगले 3 से 4 महीनों में जांच आयोग का काम पूरा हो जाएगा।